हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का वीडियो में दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एएलपी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड नाभिक को। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ एयरलांग तसंगबो नदी के रूप से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र। महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय ने 21 अगस्त 2016 को किस दिवस मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा बेटी दिवस। असंतृप्त यौगिक को दहन के दौरान कैसी देखी जाती है, माने किस रंग के रूप में देखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पीली लौ। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन से भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों ऑर्गन या नाइट्रोजन भरा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अपना देश भारत। पराग कण किसमें पाए जाते हैं? तो पराग कण दोस्तों पराग कोष में पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो तांबा दोस्तों इन चारों में से लचीला और कोमल होता है। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्पाइरोगाइरा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वेग। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कंबाला उत्सव दोस्तों किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है जिसमें कि भैंसों को दौड़ाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पे दोस्तों मिलान करना है कि कौन किसको मापता है, जिसे बिजली धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को माप जिसे बिजली को धारा मापी या गैल्वेनोमीटर मापता है उसी तरह से दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा है। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसका आंसर होगा जाइलम। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जो कि माइका और क्वार्ज है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? तो अनुकृति वसा को पहनाया गया था। तो चलिए दोस्तों यहीं पे 19 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।